सो गाइस दिस कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया आप आईफोन के अंदर स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आप आईफोन के अंदर स्लो फास्ट मोशन वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और फिर चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको आईफोन के अंदर स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा बी एन वीडियो एडिटर नाम का एप्लीकेशन। इसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने ऐप स्टोर को ओपन करेंगे। ऐप स्टोर ओपन करने के बाद आप सर्च बार में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिंपली सर्च करेंगे बी एन लिख के, ठीक है। सो अगर आप बी एन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बी एन वीडियो एडिटर मेकर ब्लॉग नाउ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ये मिल जाता है बी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो आप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है और इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ से आ जाना है बैक, ठीक है। बैक आने के बाद अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो फाइल्स है उसको ओपन करना है। फाइल्स ओपन करने के बाद जिस फोटो को आप स्लो मोशन करना चाहते हो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप वीडियो के ऊपर प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शेयर, आप इस पर क्लिक करेंगे। सॉरी, तो हमें शेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो शेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्लाइड करना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा बी एन नाम का एप्लीकेशन। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका वीडियो आ जाएगा बी एन एडिटर एप्लीकेशन के अंदर। आपको यहाँ पर मिलता है एडिट नाउ, आप इस पर क्लिक करेंगे। एडिट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो आ चुका है। सो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को हमें स्लो मोशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको आपको डिलीट कर लेना है। सो डिलीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे। नीचे आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जहाँ से लेकर जहाँ तक स्लो मोशन करना चाहते हो अगेन आप अपनी वीडियो को स्प्लिट करेंगे और ये जो क्लिप है हमें इसको स्लो मोशन करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्पीड, आप स्पीड पर क्लिक करेंगे और स्पीड पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं डॉट को आपको नीचे की तरफ लेके आ जाना, लाइक कुछ इस तरीके से। तो इसे भी आप नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। उसका जो नेक्स्ट डॉट है इसे भी नीचे लेके आ जाना है एंड इसे भी आपको नीचे लेके आ जाना है और इसको भी नीचे लेके आ जाना है। तो इस तरीके से व्हाइट कलर का जितने भी आपको बॉल दिखाई दे रहा है बॉल की तरह इन सबको आपको पकड़ के नीचे की तरफ लेके आ जाना। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो क्लिप हमने सिलेक्ट किया था वो क्लिप हमारा स्लो मोशन हो चुका है। उसके बाद आप इसे करते हैं नीचे डन। डन करने के बाद आप देख सकते हो जो क्लिप हमने सिलेक्ट किया था यह काफ़ी छोटा था, लेकिन स्लो मोशन करने के बाद हमारा क्लिप काफ़ी बड़ा बन चुका है। सो यहाँ से मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये वाला जो क्लिप है हमारा स्लो मोशन हो चुका है। अभी हमें ये जो क्लिप है इसको फास्ट मोशन करना है। सो हम इसको यहाँ पर स्प्लिट करेंगे और ये जो क्लिप हमने स्प्लिट किया इसको हमें फास्ट मोशन करना है। तो इसके लिए आपको स्पीड पर आ जाना है और अभी आपको जो बॉल दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का आपको ऊपर की तरफ लेके आ जाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये मैंने ऊपर की तरफ लेके आ गए, इसे भी आप लेके आ जाएंगे। उसके बाद आप इसे कर देंगे डन। सो डन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो क्लिप ये फास्ट मोशन हो चुका है। ये काफ़ी बड़ा क्लिप था लेकिन फास्ट मोशन करने के बाद ये छोटा हो चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। उसके बाद ये जो बिल्कुल एंड में जो क्लिप है इसको भी हमें स्लो मोशन कर लेना है। तो आपको आ जाना स्पीड पर। स्पीड पर आने के बाद आपको ये जो मिलता है डॉट आप इनको अगेन नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हो मैं नीचे लेके आ चुका हूँ। उसके बाद आपको डन कर देना है। तो ये जो क्लिप ये भी स्लो मोशन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है। अगर आप म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो टैप टू ऐड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, म्यूजिक आप चूज़ करेंगे और यहाँ से अगर आपके पास कोई अलग सा सोर्स है तो आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो। या आपको यहाँ पर मिलता है पॉप, इसके अलावा ब्लॉक, फ्रेश, डायनामिक, आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो। माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी तरफ से म्यूजिक ऐड कर सकते हो। सो यहाँ से मैं डायनामिक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये जो म्यूजिक इसको ऐड कर लेते फीचर बेस। सो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसका नीचे टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो म्यूजिक हमारा आ चुका है। अभी फाइनली मैं आपको वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप आईफोन के अंदर स्लो मोशन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आपको अपना जो वीडियोस को यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है। सो कुछ इस तरीके से आप स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एफएक्स, आप इस पर आ जाएंगे।
और यहाँ से आप अपनी वीडियो पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में अप्लाई कर लेना क्लिप पर, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है, कुछ इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने अप्लाई किया और इसे आपको एक बार प्ले करके सो अगर आप सही की इफेक्ट अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, और किसी भी क्लिप पर आप स्प्लिट करके सकते हो। सो इसे भी आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से अगेन प्ले करते कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो इस तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अभी आपको ये जो वीडियो इसको सेव करना है तो इसके लिए आपको नीचे जो आइकन मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ऑटो से मैनुअल को सिलेक्ट करेंगे, HDR को इनेबल कर लेंगे, ठीक है। सो इसे इनेबल करेंगे, उसका जो रेजोल्यूशन मिलता है 4K सिलेक्ट करेंगे, FPS को आप 60 चूज़ करेंगे और बिटरेट को आप हमेशा हाई सिलेक्ट करना। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।